क्योंकि हम मिलकर साथ ही काम कर रहे थे तो बहुत कुछ हमने इनसे भी सीखा है और आप सभी से सीखा है हमने। और एक तो सबसे बड़ी बात, जब हमने आप लोगों का ग्रुप बनाया था ना, तो हम हमेशा बिजनौर केवल नहीं बोलते थे, टीम बिजनौर बोलते थे, ये बिजनौर की टीम है, ये बिजनौर के लिए है। और आप जो कुछ भी, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी वो आप यहाँ के यंग इंजीनियर्स बने, हमारी ताकत बने यहाँ के जेई से लेके बीजेएम तक ताकत बने हमारी। और सबसे बड़ी बात है, जब आप कुछ करना चाहते हो तो पहले खुद को ठीक करो। तो मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ 4 फरवरी 2019 को ज्वाइन किया और फरवरी महीने में ही किसी दिन ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी वाले बिजली काट के चले गए, तो मैं जब अपने घर पे गया तो हमारे घर में लाइट चल रही थी। तो मैंने पूछा, हमारे घर इन्वर्टर भी नहीं है, हमारे कहाँ लाइट आ रही है? बोले अपने यहाँ जनरेटर से सप्लाई आ रही है। तो हमने JTO इलेक्ट्रिकल को बोला कि जब डीजल चला के GM के घर में सप्लाई की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, ये तो डिपार्टमेंट के लिए डीजल आया है। तो हमने पहले इनको बोला कि आप यहाँ की सप्लाई डायरेक्ट करो और डीजल में सप्लाई काटो। तो उसका विरोध, उस समय यहाँ CGM साहब रहते थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यार कैसे आदमी हो आप आते ही जो है बिजली कटवा दिए। तो हमने कहा सर, हमारे विभाग के पास पैसे की बड़ी दिक्कत है और हमें बाकी जगह खर्चे कम करने हैं, तो पहले हमको अपने यहाँ ठीक करना पड़ेगा। मैं उस दिन यहाँ से करीब 7 बज रहा होगा, तो मैं XCL ब्रह्मपाल सिंह के ऑफिस में गए, तो वो देखते ही मुस्कराए, बोला है मालूम था कोई इनको आएगा BSNL से, ऐसे उसने हंस के बोला है। हमने कहा बताइए सर, कष्ट क्या है आपको, बताइए कोई शिकायत है बताइए। बोला हमारा जो है कुछ ब्रॉडबैंड की शिकायत थी। बोले आपके शर्मा जी नहीं है? शर्मा जी हाँ, JTO ऑफिस के साथ में जो है JTO ऑफिस में, तो उसने की शिकायत, हालांकि सुशांत के संभालने के बाद नहीं आई, फिर उसके बाद उसने इलेक्शन यहाँ का चालू किया और आगे चल के आगे अच्छे रिलेशन बन गए और काफ़ी काम जो है, बल्कि अब तो आज शामली में है तो मेरठ में भी अगर कोई बिजली कटेगी तो वहाँ भी ठीक कर देगा वो, ठीक है। एक बार यहाँ पे काशी जमील ने फ़ोन किया मुझे कि वो नूरपुर में कोई ट्रांसफार्मर टूट गया और वो SD स्टोर नहीं मिल रहा, तो वो SD उसका दोस्त निकला, ठीक है, तो हमने उससे भी काम करवाया। ये तो एक हमने खाली एग्जाम्पल दिया। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो आपने तारीफ करी, हम तारीफ इतने काबिल नहीं है, और हम जो है हमने काम करने की शुरुआत, जब मैंने DRDGM में 2010 में ज्वाइन किया तो एज ए DGM काम कर रहे थे, तो अपना एक सेक्शन होता है, एक वर्टिकल है, कभी आप DGM CM हो या DGM ट्रांजिशन हो। तो जब मुझे ज्वाइन GM से GM बनाया गया, पहली पोस्टिंग मेरी भरतपुर में हुई, तब मुझे इंडिपेंडेंट काम करने का पूरा मौका मिला कि फाइनेंस भी आपको रिपोर्ट कर रहा है, सारे सेक्शन आपको रिपोर्ट कर रहा है, आप कुछ कर सकते हो। तो उस समय सबसे राजस्थान में सबसे अच्छा जो SSA हुआ करता था श्री श्याम सिंह जी अलवर, है ना, तो अलवर वाले GM साहब की जब भी सर्किल में कोई बात होती तो बड़ी तारीफ होती थी, तो मैं उसको सुना करता था मीटिंग में जाके वहाँ पे। और तो मैंने बहुत कुछ श्री श्याम सिंह जी से सीखा, कैसे आप जो है टीम को मोटिवेट करके आप अच्छा काम कर सकते हो, रिसोर्सेस सबके सामने वही हैं, उसको बेहतर तरीके से कैसे आप इस्तेमाल करें और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करें। मैं स्वयं शुरुआत करता हूँ, जिसे मैं शाम को हमेशा CSE की रिपोर्ट देखता था, तो रिपोर्ट में मैं देखता धामपुर में हेमा शाली का काम देखता था, ठीक है। अब उनके काम को अप्रिशिएट करने के बाद भटनागर ने पूछा हम भी अच्छा काम करेंगे, उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है। फिर इसको लगा मोनिका को कि हम क्यों नहीं अच्छा कर सकते, मोनिका ने भी इम्प्रूवमेंट किया। तो या जब इनका हुआ भूपेंद्र जी का, इन्होंने म्यूटेशन में बड़ा अच्छा काम किया, जो बड़ा पेंटिंग चल रहा था SD साहब नहीं कर पा रहे थे, JTO साहब ने कर दिखाया उस काम को, अच्छा काम किया। ये हमारे जो भाटिया जी, इनको जब यहाँ पे VRS वाला काम चल रहा था, लेकिन रात में 1 बजे सैनी जी ने फोन किया, साहब वो चल नहीं रहा है, है ना, ये बंदा 1 बजे रात में आया, रात उसने काम किया, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने जैसे कभी बोला कि नहीं यार